लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नो फॉल्स स्लैमर्स कंडीशन काफ़ी गेटियर केसेस सॉल्व करती है बट इट इज़ नॉट सॉल्व ऑल केसेस सच एज द फेक बॉन्ड कंट्री वाली एग्जांपल जिसमें हेनरी ये बिलीफ फॉर्म करता है कि ये जिसको वो देख रहा है ये बॉन्ड रियल बांड एंड इट इज़ नॉट अ फेक बॉन्ड लेकिन उसे ये नहीं पता कि सारे इस फार्म फील्ड पर सारे बॉन्ड्स फेक हैं इस वाहिद बॉन्ड के और इवन दो वो इस कंक्लूजन तक इस बिलीफ तक किसी फॉल्स प्रेमिस के थ्रू नहीं पहुँचा बट स्टिल देर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रॉब्लम ये है कि हेनरी के इन्वायरमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं सचैज कि ये फार्म फील्ड इस फिल्ड विद फेक बॉन्ड्स जो अगर हेनरी को पता होते तो इट वुड अंडरमाइन हिज कॉन्फिडेंस इन हिज बिलीफ ये फैक्ट्स जो है कि ये फार्म फील्ड फिल्ड है विद फेक बॉन्ड्स इसको हम एक डिफीटर कहते हैं बिकॉज इट सर्व्स टू डिफीट द जस्टिफिकेन फॉर हिज बिलीफ और जस्टिफिकेशन वाला पार्ट जे टी बी थेरी के मुताबिक जस्टिफाइड ट्रू बिलीव थेरी के मुताबिक जस्टिफिकेशन वाला पार्ट वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ अ डिफीटर अमेरिकन फिलासफर्स की थ और थॉमस पैक्सन जूनियर की ये थेरी थी कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नॉलेज तभी होगा एज लॉन्ग एज देर आर नो एग्जिस्टिंग डिफीटर्स ऑफ द बिलीफ इसको अगर फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाए तो एस हैज़ नॉलेज दैट पी इफ एंड ओनली इफ पहला पी इज़ ट्रू सेकेंडली एस बिलीव पी थर्डली एस इज़ जस्टिफाइड इन बिलीविंग पी एंड फोर्थली जो न्यू कंडीशन ऐड की गई है देयर एग्जिस्ट नो डिफ़ीटर्स फॉर पी ये फोर्थ कंडीशन ये इंश्योर करती है कि कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं मौजूद हो सकता जो अगर तो एस बिलीव कर ले तो वो एस की जस्टिफिकेशन को अंडर या वीकन कर दे ये फोर्थ कंडीशन नो डिफ़ीटर्स वाली कंडीशन तीनों गेट ही केसेस को सॉल्व करती है जो हमने सोफार डिस्कस किए हैं जैसे हैंनरी वाले केस में हैंनरी केन नॉट बी सेट नो हीज लुकिंग एट अ बॉन्ड बिकॉज ऑफ द एविडेंस दट मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स इन द एरिया आर फेक और स्टॉप क्लॉक वाली एक्जाम्पल में द मैन डज नॉट नो द टाइम बिकॉज घड़ी तो रुकी हुई है घड़ी चलती नहीं है ये नो डिफीटर्स कंडीशन काफ़ी केसेस को सॉल्व तो करती है बट इसके साथ ही साथ इवन दो ये नो no डिफ़ीटर वाली कंडीशन हमें बताती है कि अ डिफीटर इन द एविडेंस वुड अंडर माइन प परसन जस्टिफिकेशन लेकिन हमें यह नहीं बताती कि ये कैसे होगा या हाउ अ डिफीटर अंडर माइन्स द जस्टिफिकेशन हम अब ये नहीं कह सकते कि कोई भी एविडेंस जो एक बिलीफ को वीकन करे वो डिफ़ीटर है बिकॉज इस तरह तो नॉलेज अटेन्टमेंट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट एंड देन वी वुड नॉट बी सेट टू हैव एनी नॉलेज एट ऑल हमारे काफ़ी जस्टिफाइड ट्रू बिलीव के लिए देयर एग्जिस्ट सम एविडेंस येस दैट वी आर अनवेयर ऑफ दैट कुड वीकन आर जस्टिफिकेशन लेकिन एक थिन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बिटवीन वट इज़ नोन एज अ डिफीटर एंड वट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफीटर फॉर एग्जाम्पल हम अपने काफ़ी बिलीव्स या तो इनहेरिट करते हैं दूसरे लोगों से या दूसरों की टेस्टमनीज पे वो बिलीफ बेस करते हैं और इसे इंडिकेट करती है कि एक आम आदमी कम से कम एक झूठ बोलता है एक दिन का तो इफ़ वी कन्वर्सिंग विद समवन हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये इंसान जिसने आज कम से कम अभी तक एक झूठ बोला है तो वुड वी बी एबल टू बिलीव एनी थिंग दैट ही सज़ एनी टेस्टमनी दैट ही हैज़ टू प्रोवाइड अस विद जिसकी बेसिस पर हम अपना बिलीफ फॉर्म करेंगे तो अभी तक काफ़ी उपस्क्योरिटी है रिगार्डिंग वट काउंट्स एज अ डिफीटर एंड अ डिफीटर वुड ऑब्वियसली डिपेंड ऑन वट जस्टिफिकेशन इज हम जब जस्टिफिकेशन को सही से डिफाइन करेंगे उसके बाद वी वुड गेट टू नो वट इज़ क्लासीफाइड एज अ डिफीटर काफ़ी थेरीज ऑफ नॉलेज जो एग्जामिन करती हैं जस्टिफिकेशन को जो जे टी बी अकाउंट को आगे लेके चलती हैं उन्होंने जस्टिफिकेशन को सिर्फ एज जेनेरिक या बेसिक ट्रीट किया है और उसको कुछ काफ़ी केसेस में फॉर ग्रांटेड भी लिया है दे स्टेट दैट अ बिलीफ मस्ट बी जस्टिफाइड लेकिन वो कोई तरीका नहीं बताते अबाउट हाउ टू डिटर्मिन जस्टिफिकेशन या फिर हाउ टू मेजर जस्टिफिकेशन तो इवन दो जे अकाउंट काफ़ी थेरिस ने अपहोल्ड किया इन द सेंस कि उन्होंने सिर्फ एक न्यू कंडीशन ऐड की है जिस तरह नो एम एस थेरी में नो एम एस की कंडीशन ऐड की गई और नो डिफिटर्स थेरी में नो डिफीटर की कंडीशन ऐड की गई एज द फोर्थ कंडीशन लेकिन पिछले जो तीन प्रमिसेज हैं यानी जस्टिफाइड होना चाहिए बिलीफ ट्रू होना चाहिए और सब्जेक्ट को खुद इस फैक्ट पर बिलीव करना चाहिए ये प्रोमिसज हैव सो फार गॉन अनकोेशस्चन बाई मैनी थीरीज जिसकी वजह से जस्टिफिकेशन इट सेल्फ की डेफिनेशन काफ़ी ओब्सक्योर है यानी वट काउंट्स एज जस्टिफिकेशन वट डज नॉट काउंट एज जस्टिफिकेशन तो काफ़ी एक अनसर्टन टी है रिगार्डिंग दिस जिसकी वजह से नो लेम्स अकाउंट भी और नो डिफीटर्स थेरी भी कुछ हद तक इनकम्प्लीट है नेक्स्ट so, वीडियो में विल गो थ्रू वट जस्टिफिकेशन एग्जैक्टली मीन्स